लेकिन एक ऐसा ऐसी जगह होती है शिक्षा और स्वास्थ्य, जहाँ पर ये विविधताएं समाप्त हो जाती हैं, जहाँ पर व्यक्ति को थोड़ी जोखिम उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। अभी सभी राजनीतिक दलों को एक होकर और सभी प्रकार के लक्ष्मण रेखाओं को पार करके अपने राजनीतिक कैरियर को दांव पर लगाना भी पड़े तो लगाकर शिक्षकों का साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा आज बेगूसराय के दौरे पर रहे, जहां पर टीचरों के प्रोटेस्ट में वो शामिल हुए, और जब टीचर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो भी धरने में बैठे, और बैठने के कुछ देर बाद वो भाषण भी देते हैं। दरअसल बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध में धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम जो है वो पूरे बिहार भर में अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है, और बीजेपी वाले जो हैं इसे और भी हवा दे रहे हैं। इसी कड़ी में बेगूसराय पहुँचे, जहां पर टीचर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। बेगूसराय पहुँचे बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा, और जहां पर उन्होंने खूब खिंचाई की है सीएम नीतीश कुमार की, और कहा है कि ऐसे नहीं होता साहब। नीतीश कुमार जो हैं वो चाहते हैं कि अब सरकारी जो टीचर हैं वो रहे ही ना। पूरा बयान अब सुनिए। जगत का सवाल है, सभ्यता के पुनर्निर्माण का सवाल है, आप सभ्यता के जड़ में मत्था डालने का काम कर रहे हैं। मैंने शिक्षा का सभ्यता निर्माण में क्या भूमिका है, काका कार्लेकर ने क्या किया, जेबी कृपलानी सिंध के होकर किस तरह से मुजफ्फरपुर में 1000 किलोमीटर दूर आकर शिक्षक बने, किस तरह से काका कार्लेकर मराठी होकर गुजराती साहित्य प्रदर्शन में गुजराती भाषा का प्रतिनिधित्व करते थे। इन बातों का जिक्र करते हुए मैंने शिक्षक पर आने से पहले एक सवाल पूछा कि भारत सरकार में कितने अंडर सेक्रेटरी हैं, कितने सेक्रेटरी हैं, कितने डिप्टी सेक्रेटरी हैं, जिनको सेवानिवृत्त होने के बाद अपने पेंशन और पीएफ के लिए जूझना पड़ा। मैंने कहा यदि 1952 से देखा जाए, जब से पहली लोकसभा का गठन हुआ, मैंने ये सवाल 2019 में उठाया था। 1952 से लेकर 2019 तक शायद इसकी संख्या 2-4 ही मिलेगी। सेवानिवृत्त होते हुए उन्हें सारी सुविधाएं मिलती है, तो क्या कारण है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 600 शिक्षकों को, जिन्होंने जीवन भर कलम किताब कॉपी के साथ सहवास किया, शिक्षिकाएं अपने पति को भूल जाती हैं, शिक्षक अपनी पत्नी को भूल जाते हैं, अपने बाल बच्चों को भूल जाते हैं। विद्या अर्जन एक अफीम की तरह होता है, विद्या अर्जन करने से संतुष्टि नहीं होती है, बच्चों के निर्माण की चिंता उन्हें होती है। ऐसे 600 शिक्षकों को पिछले 6 महीने से लेकर 3 साल के तक, इनमें 3 साल पहले से उन्हें अभी पेंशन नहीं मिला, 3 साल से वे जूझ रहे हैं। टीवी डिबेट की आलोचनाएं क्या करते थे कि मैं बहुत गलत बोलता हूं, वो 1.5 साल से पेंशन के लिए जूझ रहे थे। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, जब उन्होंने फोन किया तो लगा मुझे किसी टेलीविजन डिबेट पर आपत्ति करेंगे। उन्होंने कहा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप जो कर रहे हो वही करते रहिए, आप जो बोल रहे हैं वो बोलते रहिए। तो मैं यह इसलिए कहा कि लोकतंत्र में विचारधाराएं और पार्टियां रहेंगी और रहना चाहिए। वैचारिक विविधता और राजनीतिक भिन्नता यदि लोकतंत्र में नहीं रहा तो लोकतंत्र का अंत हो जाता है। वो नहीं हो तो रखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, और भारत जैसे देश में जहां विविधता है वहां हर तरह की भिन्नता है, वहां पर तो राजनीतिक और वैचारिक भिन्नता विविधता होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसी जगह होती है शिक्षा और स्वास्थ्य, जहां पर ये विविधताएं समाप्त हो जाती हैं, जहां पर व्यक्ति को थोड़ी जोखिम उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। अभी सभी राजनीतिक दलों को एक होकर और सभी प्रकार के लक्ष्मण रेखाओं को पार करके अपने राजनीतिक कैरियर को दांव पर लगाना भी पड़े तो लगाकर शिक्षकों का साथ देना। सुरेश राय जी थे गेस्ट हाउस में, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष